नमस्कार मित्रों, पिछले व्याख्यान में हमने अरस्तु के क्रांति संबंधी कारणों पर विस्तृत प्रकाश डाला। अरस्तु ने अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में क्रांति के अलग अलग कारण बताए और उन्होंने कहा कि किस प्रकार अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में क्रांति हो जाती है, समग्र परिवर्तन हो जाता है। इस पर हमने विस्तृत बात की। उसी कड़ी के तहत आज के इस व्याख्यान में हम अरस्तु द्वारा बताए गए क्रांति के समाधान के उपायों की चर्चा करेंगे कि आखिर क्रांति को किन किन माध्यमों से रोका जा सकता है और अरस्तु के द्वारा बताए गए क्रांति के कारणों से अधिक उनके द्वारा बताए गए समाधान के उपाय अधिक महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यदि किसी समस्या को बताया जाता है तो फिर उसका समाधान बताना समस्या से अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसी कड़ी के तहत हम क्रांति के समाधान के उपायों की चर्चा करेंगे। अरस्तु क्रांति के कारणों से अधिक क्रांति के समाधान के उपायों पर बल देता है, क्योंकि वह राज्य के विकास के लिए शासन व्यवस्था में स्थिरता को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। अरस्तु निरंकुश तंत्र में भी क्रांति के समाधान के उपायों पर बहुत बल देता है। अरस्तु कहता है कि किसी भी शासन व्यवस्था के विकास के लिए उसमें स्थिरता का होना आवश्यक है, और स्थिरता तभी होगी जब उसमें किसी भी प्रकार के उपद्रव नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की क्रांति नहीं होगी और किसी भी प्रकार की असहजता नहीं होगी। तो यहाँ अरस्तु क्रांति के समाधान के उपायों पर विस्तृत चर्चा करता है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के 7वें भाग में क्रांति के समाधान के उपायों पर बात की गई है। इसी कड़ी के तहत हम यहाँ क्रांति के समाधान के उपायों पर चर्चा करेंगे। अब अरस्तु ने क्रांति के जो 3 कारण बताए थे, एक तो सामान्य कारण, एक विशेष कारण और एक विशेष व्यवस्थाओं में क्रांति के विशेष कारण, तो उसी स्टेप में हम क्रांति के समाधान के उपायों पर चर्चा करेंगे। समाधान के सामान्य उपाय, इसके तहत राज्य में समानता एवं न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य में किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए। राज्य में कहीं भी भय का वातावरण एवं निरंकुश शासन नहीं होना चाहिए। योग्य लोगों को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। जहां अयोग्य लोगों को स्थान देने से क्रांति हो जाती है, वहीं अरस्तु कहता है कि योग्य लोगों की पूजा होनी चाहिए, योग्य लोगों को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। सभी निवासियों द्वारा संविधान का पालन किया जाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि जब संविधान के नियमों का, संविधान की धाराओं का, संविधान के कानूनों का हम पालन करते हैं यथेष्ट रूप से, तो क्रांति की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती। और एक और कारण समाधान उन्होंने बताया कि विदेशी लोगों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। जहां तक संभव हो अपने ही राज्य के लोगों को, अपने ही निवासियों को, नागरिकों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए, वरना तो उनमें असंतुष्टि का भाव आ जाएगा और उनकी छोटी सी असंतुष्टि कभी विकराल क्रांति के रूप में उभर कर सामने आ सकती है। ऐसा अरस्तु ने अपने सिद्धांतों में बताया। तो विदेशियों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। विशेष व्यवस्थाओं में क्रांति के समाधान के विशेष उपाय। अब अरस्तु ने विशेष व्यवस्थाओं में क्रांति के समाधान के क्या विशेष उपाय बताए, इनका हम बारी बारी से उसी प्रकार अध्ययन करते हैं जिस प्रकार कारणों के तहत अध्ययन किया था। पहला, राजतंत्र। राजतंत्र में विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, समय समय पर उनका सम्मान करते रहना चाहिए, समय समय पर उनके अच्छे कामों का बखान करते रहना चाहिए। दूसरा, राजकुल में कलह को रोकना आवश्यक है। जब राजकुल में बहुत मामूली स्तर पर भी कलह प्रारंभ होता है तो उसको वहीं समाप्त कर देना चाहिए। छोटा, आपने देखा होगा कि परिवार में छोटा सा जब कलह प्रारंभ होता है और जब हम उसका उचित समाधान नहीं करते तो धीरे धीरे वो किस प्रकार विकराल रूप में उभर कर सामने आता है और परिवार टूट जाते हैं। तो यहाँ ये बात यहाँ भी लागू है कि राज परिवार में उभरने वाले मामूली से कलह को भी उसी समय रोक देना चाहिए और उसका तुरंत समाधान करना चाहिए। निरंकुश तंत्र। निरंकुश तंत्र में शासन के अत्याचार को रोकना।
शासन अत्याचारी नहीं हो, उसको रोकना चाहिए, और गुप्तचर व्यवस्था को सशक्त करना आवश्यक है। गुप्तचर व्यवस्था सशक्त होगी तो कोई भी प्रकार का अगर मामूली सा भी परिवर्तन राज्य में होगा तो शासक को तुरंत पता चल जाएगा और उसका समय रहते समाधान ढूंढ लिया जाएगा। तो इसलिए गुप्तचर व्यवस्था को सशक्त करना चाहिए। कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र में संपन्न वर्ग को यथेष्ट महत्व देना चाहिए। ये बात अरस्तु कहते हैं कि संपन्न वर्ग है, धनाढ्य वर्ग है, जो कुलीन तंत्र की पहचान है, उसको यथेष्ट उचित स्थान देना चाहिए, उचित महत्व देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब कहीं भी ये नहीं है कि निर्धन लोगों को या गरीब लोगों का शोषण किया जाना चाहिए, ये इसका मतलब नहीं है। धनिक तंत्र में समाज के निम्न वर्ग को उचित सम्मान देना चाहिए। देखो, गरीब लोगों को, मजदूर किसान लोगों को धन दौलत से भी ज्यादा सम्मान अधिक प्रिय है, और यदि शासन व्यवस्था उनको उचित सम्मान दे देती है तो वे शासन व्यवस्था के कर्तज्ञ हो जाते हैं, ऋणी हो जाते हैं, इसलिए उनको उचित सम्मान देना चाहिए। संवैधानिक तंत्र, इसमें जो क्रांति के समाधान का मुख्य बिंदु है वह है, एक तो विधि के शासन की पालना करना चाहिए, जो कानून का शासन है उसकी पालना करनी भी चाहिए और करवानी भी चाहिए जनता से। दूसरा, कोई भी कार्य अगर शासन व्यवस्था करे तो उसको नियमानुसार करना चाहिए, नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को तो आप उसी योग्यता के आधार पर नकार रहे हो और दूसरे को आप वेटेज दे रहे हो। तो ये जो भाई भतीजावाद वाली स्थिति होती है, ये संवैधानिक तंत्र के लिए खतरा है, उचित नहीं है। इसलिए नियमानुसार काम होने चाहिए और सबको उचित महत्व देना चाहिए, सबका काम होना चाहिए, विधि के अनुसार काम होना चाहिए और समय समय से होना चाहिए, समयबद्ध तरीके से काम होना चाहिए। अगर इस प्रकार काम होगा, समयबद्ध तरीके से न्याय मिलेगा, समयबद्ध तरीके से लोगों के काम होंगे, तो कहीं भी कोई क्रांति की आशंका नहीं रहेगी। भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र, इसमें शासक को वाकपटु और चापलूस लोगों से दूर रहना चाहिए। कई बार प्रजातंत्र में तो बहुत ज्यादा चापलूसी होती है और चापलूस लोग इसका बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं और कई बार तो सत्ता में इतना भयंकर परिवर्तन करवा देते हैं अपने पक्ष में, अपने हितों में, और उससे बहुसंख्यक जनता को नुकसान होता है। तो इससे होता क्या है कि बहुसंख्यक जनता जब जागरूक होती है तो वो शासन व्यवस्था के विरुद्ध उठ खड़ी हो जाती है और कभी भी क्रांति का रूप ले लेती है। तो वाकपटु और चापलूस लोगों से शासन व्यवस्था को दूर रहना चाहिए और अच्छे लोगों को, अच्छे प्रशासकों को, अच्छे नागरिकों को शासन व्यवस्थाओं में सहभागी बनाना चाहिए। ये प्रजातंत्र का एक लक्षण है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ये आज भी प्रासंगिक की बातें। अरस्तु ने अपने विचारों में क्रांति के कारणों और समाधान के उपायों पर विस्तृत विचार व्यक्त किया, लेकिन वह किसी भी प्रकार की क्रांति का समर्थक नहीं है। इसका मतलब ये मत लगा लेना कि अरस्तु क्रांति का समर्थक है। अरस्तु ने तो उस समय जो यूनानी नगर राज्य थे उनकी शासन व्यवस्था में जब छोटे मोटे परिवर्तन हुए और जब शासन सत्ताएं बदली तो उस संदर्भ में क्रांति के कारण और क्रांति के समाधान के उपायों की चर्चा की है, जो प्रासंगिक भी है और काफी हद तक उचित भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अरस्तु क्रांति का समर्थक है या क्रांति के विचारों का समर्थन करता है। वह इस प्रकार के अपने विचारों में कहीं भी क्रांति का समर्थन करता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन ये बात तो तय है कि अरस्तु के क्रांति के कारण और क्रांति के समाधान के उपाय बड़े महत्वपूर्ण हैं और ये उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उनके समय में महत्वपूर्ण थे, उतने ही आज के समय में महत्वपूर्ण हैं, और आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तो और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गए ये। तो इसलिए अरस्तु द्वारा जो क्रांति के समाधान के उपाय जो बताए गए हैं उनको आपको समझना अति आवश्यक है, और यह कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, तो आप, मैं समझता हूँ कि आप उन प्रश्नों के उचित आंसर देने में सक्षम हो पाओगे। आप सब लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद।